आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नरम और मुलायम नारियल की बर्फ़ी रेसिपी, वो भी बिना मावा और बिना कंडेंस मिल्क यूज़ किए। और ना ही आपको यहाँ पे चाशनी बनाने की ज़रूरत है, उसके बिना ही ये बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रेश नारियल या ड्राई नारियल दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप नारियल का बुरादा। इसे आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूपाली और कालिंदा रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने लिया है ये नारियल का बुरादा। इसमें मैंने ऑयल या मिल्क कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो 1-2 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरह से भून लेंगे। इसको जलने नहीं देना है बिल्कुल भी। और फिर हम यहाँ पे लेंगे चीनी। तो यहाँ पे चीनी मैंने ली है 1 कप नारियल के बुरादे के लिए 1/3 कप चीनी मैंने ली है। तो हम इस कढ़ाई में इसको डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप फुल फैट मिल्क। इसको मिक्स कर देंगे और चीनी को और दूध को अच्छे से घुलने देना है, इसमें अच्छे से उबाल आने देना है। ये देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और चीनी पूरी तरह से इसमें मेल्ट हो गई है। तो अब गैस की फ्लेम लो कर देनी है और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ हमारा ये नारियल का बुरादा। इसको इसमें हम मिला देंगे। तो मेजरमेंट्स बहुत ही आसान है इस रेसिपी के, आप किसी भी कटोरी या फिर कप से ये मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप नारियल का बुरादा लिया था, 1/2 कप दूध लिया था और 1/3 कप मैंने चीनी ली थी। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। तो नारियल जो है वो दूध को बहुत ही जल्दी सोख कर लेता है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी स्वाद के लिए। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि नारियल भी ऑयली होता है, वो बाद में थोड़ा सा ऑयल छूटता ही है उसमें। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये आसानी से बन जाएगी। तो इसको हम बर्फ़ी की तरह थोड़ा सा बनने तक, इसके लिए हम बर्तन रेडी करते हैं इसको सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास का बर्तन लिया है। आप यहाँ पे कोई भी केक टिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसके नीचे बटर पेपर रखना है ताकि हमें बर्फ़ी निकालने में आसानी हो। अगर बटर पेपर नहीं है तो उसके अंदर आप अगर घी लगा के रखेंगे तो भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये इसको हम थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, पहले से थोड़ा सूखा हो गया है अभी। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के लिए इलायची पाउडर, या आप अपने पसंद से डालें, अगर हो पसंद तो ही डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पर नारियल के बर्फ़ी में इलायची का स्वाद बढ़िया लगता है। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, जिससे हमारी बर्फ़ी कलरफुल दिखेंगी। बिना कलर के भी ये सेम ही लगेंगी, बस कलर मिलाएंगे तो और बढ़िया दिखेगी और खाने में भी मज़ा आएगा। कुछ अलग सी स्वीट रेसिपी दिखती है तो मज़ा आता है खाने में। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कलर को इसके अंदर। हम नारियल की एकदम सॉफ्ट मुलायम वाली बर्फ़ी बनाने वाले हैं, तो इसको हम ज़्यादा ड्राई होने तक नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमें सॉफ्ट वाली बर्फ़ी बनानी है। अगर आप थोड़ी सख्त बनानी चाहते हैं तो इसको और थोड़ी देर के लिए पका लीजिएगा। तो ये देखिए, हम इसका आसानी से गोला बना पा रहे हैं। इसके अंदर अभी दूध बिल्कुल भी बचा नहीं है, अच्छे से इसने सोख कर लिया है पूरा मिल्क। तो अब ये रेडी है सॉफ्ट बर्फ़ी बनाने के लिए। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं बर्तन में शेप देने के लिए। तो ये लीजिए, हम इसके अंदर इसको डाल देंगे और फिर इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सेट करने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें बिल्कुल भी गलती होने के चांसेस नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो बर्फ़ी को सेट होने के लिए हम 1 घंटे के लिए, यानी कि 60 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद इसको आप कट करें। तो यहाँ पे मैं इसको लगभग 1 घंटे के बाद कट कर रही हूँ, तो ये अभी हम आसानी से कट कर सकते हैं, हाथों से देख कर आप इसे समझ जाएंगे। तो इसको हम साइड में निकाल लेंगे और फिर आप अपनी मनपसंद का
शेप इसको कट कीजिएगा। ये बहुत ही क्विक और सिंपल स्वीट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनती है और बिना फ्रिज में रखे भी आप इसे 4-5 दिनों तक आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और एकदम नरम सी हमारी ये नारियल की बर्फी बनके तैयार है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार ऐसी ही और एक नई रेसिपी के साथ।